अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश विदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच में भी एक बड़ा योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान शहर के दौरान लोगों ने कहा कि योग से कई सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। हम सभी को रोज सुबह उठकर योग जरूर करना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पर योग को एक पहचान दिलाई है और पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है, हम सब लोगों को योग करना चाहिए, योग को अपने जीवन का सलीका बनाना चाहिए। और युवाओं ने खासकर आज जो हमने कार्यक्रम इसी रखा है कि जागरूकता युवाओं पर जानी चाहिए और सब वरिष्ठ जनों के साथ हमने कार्यक्रम करा है और पूरे साल हम सब लोग योग अपनाएंगे, योग को आगे लेकर चलेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे, फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखिए, योग जो है जब स्वस्थ रहेगा तभी मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ के लिए जरूरी है। ये हमारे बहुत बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चार्ज लिया तो सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है, तो योग 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और आज उसी की परंपरा को हम लगातार निभा रहे हैं। आज ही जो है सबसे बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए भी योग करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जैसे देखें पूरे विश्व में जो रामदेव ने लहर चलाई है, उस लहर का इतना फायदा है कि लोगों का जो मेडिकल का बजट है वो एक चौथाई रह गया।